आप देख रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज, मैं रवि कुमार गुप्ता हाजिर हूँ दरभंगा की खास खबरों के साथ। सबसे पहले हेडलाइन, दरभंगा और मधुबनी के विभिन्न स्कूलों में निकाला गया विश्व शांति मार्च। राजनीतिक दल सेकुलरिज्म का प्रचार कर आवाम को गुमराह कर रही आदिल हसन AIIM प्रदेश अध्यक्ष, जदयू सांसद सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का मिथिलांचल में स्वागत। बिजली करंट से महिला पर जानलेवा हमला, 3 आरोपी गिरफ्तार। विश्व अल्जाइमर दिवस पर आयोजित अल्जाइमर जागरूकता अभियान, केपटी विधायक ने किया 8 लाख के लागत से सड़क का निर्माण। संवाद कार्यक्रम में कुल सचिव LNMU ने छात्रों को दिया नया विषय, बिना किसी आर्थिक सहायता लिए हुए किस प्रकार अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं इस विषय पर। शिक्षक सम्मान समारोह 2019 का भव्य आयोजन उल्पाइन मॉडर्न स्कूल में, DM ने किया निबंधन कार्यालय में प्रतीक्षालय का उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। वर्षागन में लगी आग को बुझाने के उद्देश्य से वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी द्वारा दरभंगा और मधुबनी के विभिन्न स्कूलों से निकाला गया विश्व शांति मार्च। विश्व लोकतंत्र और वर्ल्ड पीस के लिए कार्यरत संस्था वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी के तत्वाधान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ल्ड पीस डे के अवसर पर 21 सितंबर 2019 को दरभंगा और मधुबनी के विभिन्न स्कूलों में शांति मार्च निकाला गया। DAV पब्लिक स्कूल सहारा मोहनपुर में शांति मार्च प्रातः 8:57 पर प्रधानाचार्य सविता, WND प्रतिनिधि अतिका महजबी, प्रधानाचार्य विधानंद झा एवं संस्कृत विभाग अध्यक्ष जयप्रकाश झा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर निकाला गया। शांति मार्च DAV पब्लिक स्कूल से आयकर चौराहा विश्वविद्यालय थाना होकर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक पेड़ के साय में संपन्न हुआ। इस अवसर पर DAV पब्लिक स्कूल की प्रधानाध्यापक सविता ने 20 मार्च से उद्घाटन संबोधित में WND प्रेसिडेंट एवं लेखक जावेद अब्दुल्ला को इस शांति मार्च के लिए धन्यवाद कहा। ऑल इंडिया मजलिस ए इताहुदुल मुस्लिमीन पार्टी की ओर से शुक्रवार को शंकरपुर मस्जिद के समीप जनसभा समारोह सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अधिवक्ता मोहम्मद इमरान ने की, संचालन कार्यक्रम संयोजक यासिर अरफात उर्फ JK ने किया। मुख्य अतिथि युवा IAM के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन ने कहा, वर्तमान राजनीतिक दल सेकुलरिज्म का प्रचार प्रसार कर अकलियता दलित बे वंचितों से मात्र वोट की राजनीति कर रही है। विजय होने के बाद गरीब बे अल्पसंख्यकों के हक की आवाज उठाना मुनासिब नहीं समझती। जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद RCP सिंह का पटना से दरभंगा जाने के क्रम में शनिवार को मिथिला के प्रवेश द्वार सिमरी थाना क्षेत्र चौक वे शोभन में जदयू कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वे जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के सम्मान में समर्थकों ने जय जयकार कर आगत अतिथियों को पुष्प से भेंट किया। जदयू जिला अध्यक्ष प्रोफेसर अजय चौधरी, प्रवक्ता रूमी खान, जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुशील कनोडिया, प्रखंड अध्यक्ष सिंहबाड़ा वेजाले हनुमान नगर आदि मौजूद थे। थाना क्षेत्र के कंसी गांव में एक महिला को मुंह में कपड़ा डालकर उसके घर को पड़ोसी ने करंट प्रवाहित बिजली तार से घेर दिया। उसके शरीर पर करंट सटाकर जानलेवा हमला किया गया। लोहे के रॉड वे डंडा से मारपीट की गई। सूचना के बाद थाना अध्यक्ष हरि किशोर यादव घटनास्थल से त्वरित कार्रवाई कर आरोपी रामबाबू महतो, ठक्कन महतो एवं सुरेश महतो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। पीड़ित महिला ममता देवी के आवेदन पर केस दर्ज कर नामजद सत्यनारायण महतो, श्याम महतो, सुनरी देवी, चांदनी देवी को आरोपित किया गया है। भूमि विवाद को लेकर के दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना में घायल महिला ममता देवी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहवाड़ा में चल रहा है। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिक संस्था एवं इंस्टीट्यूट ऑफ जेरोन्टोलॉजी एंड जेरेंटिक्स के संयुक्त तत्वाधान में विश्व अल्जाइमर दिवस के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिक संस्थान में किया गया। ज्ञात हो कि अल्जाइमर वृद्धावस्था में भूलने का रोग है, जिसकी खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक
अलाइस अल्जाइमर ने 1906 ईस्वी में की थी। केवटी प्रखंड में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना मत से लहवाड़ पंचायत के ग्राम परसा विशनपुर में सड़क निर्माण कार्य एवं ग्राम पिलखवाड़ा में वर्ग कक्ष निर्माण कार्य अनुमति लागत कुल 8 लाख रुपए का उद्घाटन आज विधायक केवटी डॉक्टर फराज फातमी जी के द्वारा किया गया। उक्त मौके पर विधायक ने कहा कि विकासात्मक कार्य से कोई भी समझौता नहीं होगा, समाज के हर वर्ग में विकास की किरण फैलेगी, शिक्षा व्यवस्था सड़क सभी क्षेत्र में कार्य हो रहा है, समाज के अंतिम एवं वंचित लोगों तक विकास पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। सत्यनारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों में स्व विकास को लेकर कुलपति महोदय के निर्देश में चल रहे छात्रों के बीच संवाद कार्यक्रम में आज कुल सचिव कर्नल निशित कुमार राय ने एक नया विषय देते हुए छात्रों को घर से बिना किसी आर्थिक सहायता लिए हुए किस प्रकार अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसका गुरु छात्र को दिया। उपस्थित छात्र छात्राओं में से 9 छात्र छात्रा पहले से ही अपनी कमाई कर रहे हैं। अब सभी उपस्थित छात्रों को 1 मिनट में विषय पर अपने विचार रखने के लिए कहा गया। सभी छात्रों ने अच्छी कोशिश की और अलग अलग 50 से भी अधिक सुझाव रखे। अंत में करीब 40 छात्र छात्राओं प्रेरित हुए कि वे भी शीघ्र ही अपनी कमाई हेतु पढ़ाई करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया की जिला शाखा दरभंगा की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह 2019 का आयोजन उडवाइन मॉडर्न स्कूल गंगा सागर के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता दरभंगा के नगर आयुक्त श्री घनश्याम मीना भारतीय प्रशासनिक सेवा थे, जबकि मुख्य अतिथि एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सैयद पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज जिला निबंधन कार्यालय दरभंगा में नव निर्मित आधुनिक प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतीक्षालय के बन जाने से निबंधन कार्यालय में आने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। प्रतीक्षालय में आरामदायक कुर्सियां लगाई गई है, यह संख्या 72 है। यहाँ पर जीविका समूह द्वारा संचालित एक अल्पागृह भी उपलब्ध है।